जय श्री माता जी। सहज योग में अपने बच्चे की देखभाल। जन्म से एक वर्ष की आयु तक, भाग एक। नीचे प्रस्तुत हुए नोट्स एक बहुत ही व्यावहारिक मार्गदर्शन के रूप में आपके एक वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए प्रस्तुत है। इन्हें केवल मूल सूचनाओं के लिए उपयोग में लेने के लिए बहुत ही व्यावहारिक पथ प्रदर्शक के रूप में लिया जाना ही उचित होगा। ये सूचनाएं हमारी प्यारी श्री माता जी के प्यार, चैतन्य और उनकी सलाह के सहयोग से आपके बच्चे के लिए प्रस्तुत किए जा रहे हैं। विषय परिचय में सम्मिलित है शिशु जन्म के लिए तैयारियां, जैसे वस्त्र, बिस्तर और बिस्तर के कपड़े, स्नान कराने के उपकरण, सुलाने के उपकरण, शिशु का पोषण, स्तनपान प्रक्रिया, कितने अंतराल पर, क्या पर्याप्त पोषण हो रहा है, पूरक पोषण, ठस हो गए वक्षस्थल को निचोड़ना, समस्याएं, शिशु के लिए अतिरिक्त तरल पदार्थ, बॉटल से पोषण, गाय के दूध से आहार तैयार करना, तैयार करने की विधि, कितना और कितने अंतराल पर, बॉटल पकड़ाना, विटामिन्स और स्तनपान छुड़ाना, ठोस आहार कैसे प्रारंभ करना, प्रतिदिन 3 बार आहार देने के लिए, विसर्जन विकास, शिशु जन्म की तैयारियां, वस्त्र 4 कॉटन के झबले 0 साइज, 3 ऊनी झबले 0 साइज, 36 टॉवेल नैपीज या 24 टॉवेल नैपीज, 12 रेशमी जालीदार नैपीज, 3 या 4 फलालेन या जिसे हम फ्लैनेल भी बोलते हैं कि बच्चों की ओढ़नी या तिकोनी ओढ़नी, नैपी को कवर कराने के लिए, 4 नाइटीज, 2 पोशाके या 2 पीस जंपसूट्स जो घुटनों तक हो या 1 और नाइटी, 4 ऊनी जैकेट्स या कार्डिगन्स, 1 खुला बुना ब्लैंकेट, 3 फलालेन के ब्लैंकेट्स, 3 हल्के कॉटन के ब्लैंकेट्स, ऊनी शॉल, टोपियां, बूट्स। वस्त्र पहनाने पर नोट्स। पहनने के वस्त्र आरामदायक, गर्म परंतु ठंडे मौसम में हल्के होना चाहिए और मामूली या बिल्कुल भी प्रेस की जरूरत ना हो ऐसे होने चाहिए। नाइटीज पहनाने और उतारने में आसान हो, पीछे की ओर से खुलने वाले हो, रेगलॉन स्लीव्स और वेस्ट पट्टीज हो, 45 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे गाउन्स बच्चों के हिलने डुलने में रुकावट डालते हैं। ठंड में जन्मे बच्चों के लिए ऊनी कपड़े जैसे वेल्ला उचित रहते हैं। गर्मी के मौसम में कॉटन की चीजें जैसे लॉन, प्लिस और बातिस्ते ठंडे होते हैं और आसानी से धुल जाते हैं। बूट्स पर्याप्त बड़े होने चाहिए और किसी भी हालत में पैर को सिकोड़े नहीं। बारीक बुनावट की डिजाइंस के सुरक्षित और गर्म रहते हैं। महीन जालीदार रेशमी नैपीज टॉवेल नैपीज की अपेक्षा कोमल होती है परंतु सोखने का गुण अपेक्षाकृत कम होता है। आप कोई भी नैपी चुने, यह एक अच्छा विचार होगा कि उसके ऊपर एक दूसरी नैपी भी लपेट दे, स्कर्ट फैशन अथवा फलालेन की तिकोनी ओढ़नी का उपयोग करें। 4 फलालेन तिकोन, 1 फलालेन टुकड़े से लगभग 90 सेंटीमीटर चौड़े और 1.4 मीटर लंबे बनाए जा सकते हैं। यात्रा की अवधि में फेंकने वाली नैपीज सुविधाजनक होती है। कॉटन के बिछोने पर ऊनी बिछोना ठंडे मौसम में प्रयोग में लिए जा सकते हैं।
नहलाने की सामग्री। नीचे दर्शाई गई कुछ चीजें हैं जिनकी आपको आवश्यकता होगी। शिशु के स्नान के लिए एक टेबल या मजबूत बेंच सतह, रबर फोम का लगभग 75 सेंटीमीटर बाय 75 सेंटीमीटर का टुकड़ा जो अतिरिक्त टॉवल से कवर्ड हो, दो नहाने के टॉवल, एक फलालेन धोने वाला, बच्चे के शरीर से साबुन साफ करने के लिए, ऊनी कॉटन का बड़ा बंडल बाजार से खरीदा हुआ, एक छोटी बास्केट या ट्रे, सामान जैसे बिना दवायुक्त या बिना परफ्यूम वाली कोमल साबुन, सोप केस, आंवला जैतून का तेल या बादाम तेल की डिब्बी, बच्चे के शरीर और खोपड़ी की त्वचा तथा बालों को नहाने के बाद पोंछने के लिए, सर्जिकल स्पिरिट की छोटी बोतल, नाल और नाभि के लिए शुरू के सप्ताहों के लिए, जिंक और कैस्टर ऑयल क्रीम यदि आवश्यक हो तो, सेफ्टी पिंस स्नैप लॉक के साथ, बालों के लिए ब्रश या कंघी। सुलाने की सामग्री, एक पालना या बेंत का बना पालना, उधार लेने का प्रयत्न करें। पालने के चैतन्य के प्रति सावधानी रखें, क्योंकि शिशु उसमें सोने के अर्थ में जल्दी ही बड़े हो जाते हैं जब वे 3 से 5 माह के होते हैं। यदि आप पलंग खरीदते या बनवाते हैं तब यह अच्छी तरह से जांच ले कि साइड की पट्टियां साथ साथ यानी पास पास में हो। इससे बच्चा करवटे लेते समय बीच के खाली स्थान में फंस न जाए, क्योंकि बच्चा लड़खड़ाकर चलने वाला होने के बाद तक भी इस पलंग का उपयोग करेगा। उसमें पैरों की ओर वाले हिस्से में पकड़ की जांच अवश्य कर ले, क्योंकि उस भाग को एक बच्चा देखभाल नहीं कर सकेगा। बिस्तर और बिस्तर के कपड़े, ठोस गद्दा, जांच ले कि वह आनंददायी हो। एक बिस्तर वाला ब्लैंकेट जिसे आवश्यकता अनुसार फोल्ड किया जा सके। 6 चादरें, जलरोधी यानी वाटरप्रूफ, गद्दे को कवर करने के लिए। महीन कॉटन मटेरियल की लाइनिंग, पलंग या पालना या बेत से बने पालने के सिरहाने के लिए। यह बच्चे के सिर को खिंचाव से सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। यदि आवश्यक हो तो मच्छरदानी, मच्छरदानी को सही स्थान पर बनाए रखने के लिए इलास्टिक बैंड्स। भेड़ के बच्चे के चमड़े का उपयोग वाटरप्रूफ कवर के बिना भी उपयोग में लिया जा सकता है। सिरहाने, तकिया तथा गद्दे को महीन प्लास्टिक से कवर करना खतरनाक हो सकता है। स्नान कराना, जब बेबी को नहलाया जाए उन्हें गर्म रखना चाहिए। यदि मौसम ठंडा हो तब उन्हें अक्सर नहलाना आवश्यक नहीं है। श्री माता जी ने कहा है कि स्नान कराना जरूरी नहीं है, पर तेल की मालिश करना बहुत जरूरी है। प्रत्येक दिन बेबी को तेल की मालिश करना चाहिए, क्योंकि यह चक्रों के लिए बहुत अच्छा है। जैतून का तेल या बादाम का या सरसों का तेल, जो बाजार की छाप वाला बिना विटामिन्स का बेबी ऑयल ना हो, ले सकते हैं। घी का उपयोग सिर में लगाने के लिए नहीं करें, क्योंकि इससे बाल सफेद हो जाते हैं। सिर की मालिश के समय तालू पर पर्याप्त मात्रा में तेल डालें, मानो हम तेल भर रहे हो। बच्चे को भुजाओं से पकड़कर ना उठाएं, क्योंकि इससे उनके कंधों को नुकसान पहुंचेगा और उसे दर्द से बहुत कष्ट पहुंचेगा। यदि सिर में बाल कम हो तब भी उन्हें ब्रश करें। ब्रशिंग सिर के ऊपर सामने सहस्त्रार से पीछे की ओर होनी चाहिए।
इससे सहस्रार खुल जाता है तथा बाल की रुद्धि भी विकसित होती है। वस्त्र पहनाना। श्री माता जी ने बलपूर्वक कहा है कि हम 100% कॉटन के वस्त्र बच्चों को पहनाएं, यह महत्वपूर्ण है। और त्वचा के संपर्क में आने वाले कपड़े तो शुद्ध कॉटन ही होने चाहिए। यदि वर्ष के किसी भाग में अथवा मौसम ठंडा हो तो उन्हीं वस्त्र इस कॉटन अधोवस्त्र के ऊपर ही पहनाए जाए। ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कॉलर बोन में बना छोटा चिन्ह ढका रहता है, इससे बच्चों को ठंड से बचाव में मदद मिलती है। चेरप ब्रांड ऊनी बनियान कॉटन वस्त्र के ऊपर पहनाने के लिए अच्छे होते हैं। बेबीज के लिए रेशमी वस्त्र अच्छे नहीं होते। नैपिस भी 100% कॉटन के ही होने चाहिए क्योंकि वे वाइब्रेशंस चैतन्य के लिए अच्छे होते हैं। फिर भी विशेष परिस्थितियों जैसे सेमिनार में, जहां धोने आदि की सुविधाएं बहुत खराब होती है, हम अस्थाई उपाय के रूप में फेंकने वाले नैपिस का प्रयोग कर सकते हैं। चैतन्य के अच्छे प्रवाह के लिए 2 पीस की पोशाकों को पूरे एक वस्त्र की तुलना में प्राथमिकता होनी चाहिए। निचला वस्त्र घुटनों के ऊपर समाप्त होना चाहिए। ठंडे मौसम में यह सुनिश्चित कर ले कि नाभि चक्र अच्छी तरह से ढका हुआ रहे और सिर तथा पैर अच्छी तरह से ढके हुए रहे। लड़कियों की पोशाक लड़कियों जैसी और लड़कों की पोशाक लड़कों जैसी ही पहननी जानी चाहिए। अगले वीडियो में हम शिशु जन्म के बाद यह टॉपिक देखेंगे। जय श्री माता जी।